Welcome to our math session, and today is our part two or day two of our math lecture. So students, we started a new chapter which is addition and subtraction. So take out your textbook, take out page number 11. हमने क्या किया था प्रीवियस लेक्चर में एडिशन देखा था, एडिशन की रिवीजन भी की थी, प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व किया था और एग्जांपल्स भी देखे थे एडिशन ऑफ सिक्स डिजिट एंड सेवन डिजिट नंबर. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर एक्सरसाइज और प्रॉब्लम सेट एट. प्रॉब्लम सेट एट हम आज सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज 42,311 प्लस 65,36,624. इन दोनों आपको एडिशन करना है. एडिशन करते वक्त आपको राइटिंग में कैसे करना है, ये जैसे मैंने टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है. देखो, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, ये कॉलम मैंने ड्रॉ किया. कॉलम में मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर राइट कर दिए. ये जो है हमारा फर्स्ट नंबर 42,311 प्लस 65,36,624. इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है. सो लेट्स स्टार्ट. 1 + 4 = 5, 1 + 2 = 3, 3 + 6 = 9, 2 + 6 = 8, 4 + 3 = 7. यहाँ पे ऊपर कुछ भी इसलिए क्या है, ये 5 एज इट इज आएगा और ये 6 भी एज इट इज आएगा. सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आया, 65,78,935. ये हो गया इनका, इसके एडिशन का आंसर. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं यहाँ पे करके दे रही हूँ आपको. क्या है एग्जांपल नंबर थर्ड, 12,42,746 प्लस 4,83,748. जैसे दिया है मतलब ये नंबर पहले, तो यही टेबल में आप नंबर पहले लिखोगे, ये जो बाद वाला है वही आप उसके नीचे लिखोगे. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था एडिशन स्टार्ट करते वक्त हम क्या क्या करते हैं, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. सो 6 + 8 = 14, 1 कैरी. अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो ये कैरी आप आपके माइंड में भी रख सकते हो, लेकिन अगर जिसकी जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वो यहाँ पे कैरी राइट कर सकते. सो 4 + 4 = 8, 8 + 1 = 9, 7 + 7 = 14, 1 कैरी, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 4 + 8 = 12, 1 कैरी, 2 + 1 = 3, 4 + 3 = 7 एंड 1 एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे उसके कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं. सो स्टूडेंट्स, 12,42,746 प्लस 4,83,748, इनका एडिशन क्या आया, 70,26,494. ये हो गया इसका एडिशन का आंसर. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर फोर आपको होमवर्क में करना है. यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फाइव करके दे रही हूँ. जैसे टेबल दिया है वैसे ही आपको राइट अप करके क्वेश्चन को अरेंज करना है. क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको यहाँ पे 3 नंबर्स दिए, आपको 3 नंबर्स की एडिशन करनी. सो पहला क्या है यहाँ पे 2000, देखो 2000 हम 2 के कॉलम में लिखेंगे और 1000 के कॉलम में लिखेंगे. 2,654 प्लस 71,209 प्लस 5,03,789. सो स्टूडेंट्स देखो, अगर 3 नंबर है तो एडिशन की साइन भी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. 9 + 9 = 18, 18 + 4 = 22. देखो 22 हम ऐसे लिखेंगे तो 2 यहाँ पे एक लिखे होंगे और एक 2 ऊपर कैरी जाएगा. सो स्टूडेंट्स लेट्स
जैसे इजी जाएगा वैसे आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि देखो अभी मैं 2 प्लस 1 क्या करूंगी 3, फिर 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7, 5 एंड दिस। सो स्टूडेंट देखो इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ पे 10 लाख का कॉलम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। देखो इन तीनों नंबर्स का एडिशन क्या आएगा फिर 5,77,652। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।